आपने वीडियो तो जरूर देखा होगा, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि एक 19 साल का लड़का ट्रेडमिल पे भागते भागते गिर जाता है और वो वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। गाइस बहुत सारे लोग जिस बारे में जानते नहीं, वो बोलते हैं कि इसने स्टेरॉयड का यूज़ किया, इसने ओवरडोज का यूज़ किया, इसने प्री वर्कआउट पिया है, इसने कैफीन ज़्यादा ले लिया है, इसकी वजह से ये जिम के अंदर कोलैप्स हो गया। गाइस मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए। गाइस इस वीडियो में एक जो ये आदमी है वो सिर्फ डांस कर रहा है, और डांस करते करते वो देखिए एकदम से स्टेज पर गिर जाता है, और गिरने के बाद वो आदमी वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है जिम जाने वालों को ये कहते हैं कि इसने स्टेरॉयड या ऐसे सप्लीमेंट लिए हुए जिसकी वजह से इसकी डेथ होती है। गाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इवन आपकी एज 16 साल क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर कि आपकी एज कितनी है। गाइज जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा, उसका जो सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और हमारे आर्टरीज के अंदर जो है ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो गाइज ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हमारे आर्टरीज में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमता है, और हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है गाइज, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है। सो गाइज ये कहना गलत होगा कि जिम की वजह से या जिम के कोई ऐसे सप्लीमेंट की वजह से वो लड़का कोलैप्स हुआ है।